संकट के समय जो साहस दिखाता है, सूझबूझ दिखाता है, सफलता उसी को मिलती है। आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूं अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ नागरिकों की सराहना करता हूं। इन उत्तर प्रदेश के सभी मेरे भाइयों बहनों को मैं आज विशेष रूप से नमन करता हूं। आपने जो काम किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को चकित कर देने की अद्भुत क्षमता है। चाहे यूपी के डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस कर्मी हो, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, बैंक और पोस्ट ऑफिस के साथी हो, परिवहन विभाग के साथी हो, श्रमिक साथी हो, ये लिस्ट इतनी लंबी है शायद मैं सबके नाम बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन हर किसी ने पूरी निष्ठा से साथ अपना योगदान दिया है। योगी जी और उनकी पूरी टीम, चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर कर्मचारी हो, आप सभी ने बहुत उत्तम काम किया है, सराहनीय काम किया है। सैकड़ों श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलवाकर यूपी सरकार ने मुश्किल में फंसे अपने लोगों को वापस बुला लिया था। दूसरे राज्यों से आए इन साथियों से संक्रमण के फैलाव का रिस्क और भी अधिक था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जिस तरह स्थिति को संवेदनशीलता के साथ संभाला, उसने राज्य को एक बड़े संकट से बाहर निकाल लिया। देश की भी बहुत बड़ी सेवा की है उत्तर प्रदेश ने। साथियों, यूपी में 2017 से पहले जो भी सरकारें थी, जो भी व्यवस्थाएं थी, जिस प्रकार से शासन चल रहा था, जिस तरह की सरकारें चला करती थी, उस हालात में हम इन नतीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले वाली सरकारें होती तो अस्पतालों की संख्या का बहाना बनाकर, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या का बहाना बनाकर हम चुनौती को टाल देते, लेकिन योगी जी ने ऐसा नहीं किया। योगी जी ने, उनकी सरकार ने हालत की गंभीरता को समझा। उन्होंने समझा कि इतने बड़े देशों की क्या हालत हो रही है, बड़े बड़े समृद्ध देशों की बर्बादी हो रही है, तो उन्होंने बुरा अंदाज लगा लिया। और ये देखते हुए उन्होंने और उनकी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया। क्वारंटीन सेंटर हो, आइसोलेशन की सुविधा हो, इसके निर्माण के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। आप कल्पना से कर सकते हैं, उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ हो, पिताजी के अंत्येष्टि में जाने के बजाय ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जिंदगी खपाने वाले योगी जी इस कोरोना से बचाने के लिए आपके साथ जुटे रहे। मैं योगी जी को अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं।
उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इतनी संवेदनशीलता। भाइयों बहनों, जो श्रमिक बाहर से आ रहे थे उनके लिए बहुत ही कम समय में लगभग 60,000 ग्रामीण निगरानी समितियों का गठन किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जन भागीदारी, जनता को जोड़ दिया, 60,000 निगरानी समितियां बना देना। इन समितियों ने गांवों में क्वारंटीन की व्यवस्था विकसित करने में बहुत बड़ी मदद की। मैं सभी निगरानी समितियों के लोगों का बधाई करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।